किसी ने पूछा है, सर प्यार में मुझे धोखा मिला, बताइए मैं क्या करूं? मेरे भाई, प्यार में धोखा मिला ये आपको कैसे पता चला? आपको छोड़ के चली गई, आपसे बातें करना बंद कर दी, आपके पास मैसेज कॉल करना बंद कर दिया, कैसे पता चला कि आपको प्यार में धोखा मिल गया है? उसने मैसेज करना बंद कर दिया, उसने कॉल करना बंद कर दिया, उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, उसने आपसे मिलना बंद कर दिया, आपने समझा मुझे धोखा मिल गया। सच्चाई तो यह है कि प्यार में कभी धोखा मिलता ही नहीं। जी हां, प्यार में कभी धोखा मिल ही नहीं सकता। जहां धोखा है वहां प्यार कहां था, और जहां प्यार है वहां धोखा हो ही नहीं सकता। तो यकीन मानिए आप कि प्यार में कभी धोखा मिलता ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आकर्षण हो जाए और आकर्षण खत्म हो जाए, पार्टी उधर हो जाए, आप इधर हो जाओ, फिर आपको लगे कि मुझे धोखा मिला है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार में धोखा मिला है, प्यार में धोखा मिलता है, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपकी मम्मी ने आपसे प्यार किया है कि नहीं किया है? आपकी मम्मी पापा ने आपसे प्यार किया है कि नहीं किया है? डेफिनेटली किया है। आपको दिखाई दे नहीं दिखाई दे ये अलग बात है, आपको ना दिखाई देने से उनका प्यार कम नहीं हो जाएगा। आपके मम्मी पापा ने भी आपसे प्यार किया है। आप सही सही बताइएगा, क्या आपकी मम्मी से आपको धोखा मिला है? आपको नहीं याद है जब आप नन्हे से बच्चे से थे, टॉयलेट कर दिया करते थे, मम्मी खाना खा रही होती थी, खाना छोड़ के आती थी और आपके टॉयलेट साफ करती थी, आपके कपड़े साफ करती थी, आपको साफ करती थी, और इसके बाद हाथ धुल के फिर जा करके खाना खाती थी। वो मम्मी जिसको आपके पैदा होने से पहले टॉयलेट के नाम से घिन आती थी, वो आज अपना खाना छोड़ के आपके टॉयलेट साफ कर रही है और इसके बाद जा करके खाना खा रही है, ये उसका प्यार नहीं है? आपके हर खुशियों का ध्यान दिया, हर सुख का ध्यान दिया, ये उसका प्यार नहीं है? कभी आपको महसूस हुआ कि मेरी मम्मी का प्यार मेरे प्रति कम हो गया है? कभी पापा को आपने अनुभव किया कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं और उनका प्यार कम हो गया हो? कभी आपने अनुभव किया? क्यों, पापा का प्यार दिखाई नहीं देता है? क्यों दिखाई देगा? ओए पापा करते हैं, डांटते हैं, हड़काते हैं, जब देखो तब धौंस जमाते हैं, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं, पापा कहां प्यार करते हैं? नहीं दिखाई देगा। जब आप बाइक लेके कहीं बाहर चले जाओ और अंधेरा होने तक वापस ना आओ, तब वो पापा घर में चिल्ला रहे हैं, लो अंधेरा हो रहा है, कमबख्त पता नहीं कहां बैठ करके गप्पे मार रहा है, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था, अपनी मनमर्जी जब देखो तब करता रहता है, आने दो उसको भी डांटता हूं। पापा चिल्ला रहे हैं, आपको उनकी चिल्लाहट दिखाई पड़ रही है, आपको उनका गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो अंदर ही अंदर डर रहे हैं, पता नहीं मेरा बच्चा कुशल है कि नहीं। वो अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं, पता नहीं मेरा बच्चा अब तक क्यों नहीं आया। केवल जाहिर नहीं कर रहे हैं, केवल जाहिर नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते। कभी उन्होंने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया हो गुस्से में, चोट तो लगी होगी ना? अगर आपको एक थप्पड़ जड़ा होगा कभी पापा ने, तो आपको चोट तो लगी होगी ना, गुस्सा भी आया होगा बहुत। पर सच्चाई बताऊं, जितनी आपके गाल पर चोट लगने से आपको दर्द हुई होगी ना, उससे कहीं 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 ज्यादा पापा के दिल में दर्द हुआ होगा। आपके गाल पर चोट लगने से उससे कहीं ज्यादा दर्द आपके पापा को आपके दिल पर लगा होगा। पर उनकी थप्पड़ दिखाई दी, उनका प्यार नहीं दिखाई दिया। प्यार किसका दिखाई देगा? सोना का। प्यार किसका दिखाई देगा? बाबू का। प्यार किसका दिखाई देगा? जानू का। मम्मी पापा का प्यार कहां दिखाई देगा?
अरे भैया मेरे, गलत इंसान से प्यार करोगे तो धोखा तो खाओगे, धोखा तो खाओगे। क्यों, वहां प्यार नहीं है, वहां स्वार्थ है, जरूरत है, चाहत है, आकर्षण है, इसलिए वहां से आज नहीं तो कल धोखा तो मिलना ही है, धोखा तो मिलना ही है। और अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बेवफा निकल गई, वो बेवफा निकल गया, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, तो एक बात और आप नोट कर लीजिए कि आपको धोखा उसने नहीं दिया है, आपको धोखा आपकी उम्मीदों ने दिया है, आपको धोखा उसने नहीं दिया है, आपको धोखा आपकी चाहत ने दिया है, आपको धोखा उसने नहीं दिया है, आपको धोखा आपके विश्वास ने दिया है, आपको धोखा आपके भरोसे ने दिया है। किसी और पर अपनी कमियां मत थोपो, किसी और पर इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि अगर इसका कोई गुनहगार है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जी हां, कोई किसी को धोखा नहीं देता, धोखा हर इंसान अपने विश्वास से, अपने जज्बात से खाता है, कोई किसी को धोखा नहीं देता। मेरी बातें थोड़ा कड़वी लगती होंगी, सही मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा कड़वा बोल जाता हूँ। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे स्पीच देने वाले हैं, बहुत सारे मोटिवेट करने वाले हैं, पर मेरा अंदाज कुछ अलग है भाई। हो सकता है आपको मेरे अंदाज से बुरा लग जाए, डांटते हैं बोलते हैं, पर मैं जब भी डांटता बोलता हूँ आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा खासा इंसान इस लाइन में पढ़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, और इसलिए मैं थोड़ा कड़वा बोल जाता हूँ, मेरी शैली ही कुछ अलग है। पसंद आए तो मुबारक है, और नहीं पसंद आए तो बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे स्पीच देने वाले मोटिवेशनल के, वहाँ से आप एंजॉय कर लीजिए।